हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम्फनी के एयर कूलर के बारे में। और अगर आप ऑफिशियल कूलर या अगर सेपरेट आप रहते हैं सिंगल रूम के लिए, छोटे रूम के लिए अगर आप एयर कूलर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसी जो वीडियोज़ मेरी आती हैं वो आप तक पहुंच सके और आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस कूलर की प्राइसिंग के बारे में, इसके क्वालिटीज़ के बारे में। तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिम्फनी का एयर कूलर है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में है। और अगर आप अपने सेपरेट रूम के लिए लेना चाह रहे हैं या कोई छोटा रूम है, गेस्ट रूम कह लीजिए, और छोटा सा आप एयर कूलर वहां पे आप सेट करना चाह रहे हैं, तो इस सिम्फनी के एयर कूलर को आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, इसमें आपको वाटर फिल करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आइस भी आप इसमें डाल सकते हैं, आइस वाटर दोनों आप यहां से इसमें डाल सकते हैं और इजीली इस कूलर को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे आपको स्पेस इसमें मिल जाएगा देखने को। अगर अंदर से हम देखें तो इसमें आपको ब्लेड का ऑप्शन मिलेगा, ब्लोअर का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा, ब्लेड इसमें देखिए अवेलेबल है अंदर। और मॉडल की बात करें तो ये सिम्फनी का काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आइस क्यूब मॉडल है। और इसका ऑपरेटिंग वगैरह मैं सारी आप चीज़ें आपको इसमें दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉब दिया हुआ है, ये स्पीड का नॉब है, यहाँ से आप इसको स्पीड को सेट कर सकते हैं। और स्विंग का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, वाटर का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर वाटर को आप ऑन करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहां से इसमें कर सकते हैं। अगर इसमें अलग फीचर्स की बात की जाए तो इसका जो खस कह लीजिए या जो घास आता है वो कुछ यूनिक है। इसमें आपको आई प्योर टेक्नोलॉजी मिल जाएगा जो कि मल्टी स्टेज एयर प्योरीफिकेशन के साथ आता है। मैं साइड से आपको इसमें दिखाते चलूं, इसमें आप देख सकते हैं इसका जो खस है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से कंपनी ने इसमें यूज़ किया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो खस लगा हुआ है ये मल्टी स्टेज एयर प्योरीफिकेशन का है, अगर बैड स्मेल्स आपके रूम में कहीं से आती है तो उसको पूरा ये प्योरीफाई करके आपको एयर प्रोवाइड करेगा। बैक सेक्शन में भी आप देख सकते हैं ये थ्री साइड से ओपन है और थ्री साइड से सेक्शन पॉइंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके वॉटेज की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल है सिम्फनी का आइस क्यूब मॉडल है 27 लीटर का, और 95 वॉट ये आपका लेता है। इसमें आपको छोटे छोटे चार व्हील्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि आप घर पे ही अपने अकॉर्डिंग इसमें आप सेट कर सकते हैं। तो अगर वाटर इसमें आप फिल करते हैं तो ईज़िली वेट ज़्यादा होने के बाद भी आप इसको ईज़िली इधर उधर अपने घर में जहां भी शिफ्ट करना चाहें शिफ्ट कर सकते हैं। वाटर इंडिकेटर के लिए यहां पे कंपनी ने दिया हुआ है, यहां से आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि इस एयर कूलर में कितना वाटर बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फिट कर सकते हैं। बाकी इसके अगर ओवरऑल डिज़ाइन, ओवरऑल लुक की बात करें तो साइज भी काफ़ी इसका प्यारा है, लुक भी काफ़ी बेटर आता है। तो ये जो एयर कूलर है इसका परफॉर्मेंस मैंने चेक किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, इसकी जो एयर थ्रो है वो भी काफ़ी अच्छी है। बस इसमें जो एक चीज़ है, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए एयर कूलर देख रहे हैं तो सिम्फनी के आइस क्यूब मॉडल को आप ज़रूर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।